नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ टीवी पर। आपके साथ मैं हूं नितिशा। खबर है नैनीताल से। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने यूजीसी की दी गई ग्रांट के 45 लाख के गबन मामले में सुनवाई की है। इस दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार, यूजीसी और तत्कालीन सचिव जितेंद्र सिंह नेगी सहित प्राचार्य किरण सूद ने 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 3 सप्ताह बाद की तारीख तय की है। आपको बता दें कि एमकेपी की पूर्व छात्र सोनिया बेनीवाल ने जनहित याचिका दाखिल कर छात्राओं की शिक्षा में सहूलियत के लिए जारी 45 लाख रुपए की धनराशि के गबन का आरोप लगाया था। ये महादेवी कन्या पाठशाला कॉलेज जो है 1902 में एस्टेब्लिश हुआ था, जो उत्तर भारत का पहला कॉलेज आप कह सकते हैं जो लड़कियों की शिक्षा को समर्पित था। इस कॉलेज को यूजीसी द्वारा 2012-13 में ग्रांट मिली थी 45 लाख रुपए की, जिसका बहुत गबन किया गया, जिसमें फर्जी बिल लगाए गए, सभी बिल के जो थे टेंडर नहीं निकाले गए, जो खरीदारी हुई उसके लिए उसकी जगह कोटेशन मंगाए गए, कोटेशन में भी हर कोटेशन में वही स्पेलिंग मिस्टेक थी, और साथ साथ देखा गया कि एप्पल के जो है लैपटॉप खरीदे गए एक एक क्वांटिटी में और बच्चों के लिए कुछ नहीं खरीदा गया, जबकि यूजीसी के ही फंड से एमकेपी कॉलेज जैसे ग्रांट सेनेट इंस्टीट्यूशंस चलते हैं। तो इतना भारी गबन हुआ, इसकी बात याचिकाकर्ता नहीं कह रहा, इसकी बात कही कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सीएजी की रिपोर्ट में ये आया ये सारा घोटाला। और उसके साथ साथ राज्य सरकार ने एक ऑडिट करा पहले 2014 में और फिर एक स्पेशल ऑडिट करा 2016 में, उसमें भी यही सारी बातें आई। इसके बाद वर्ष 2017 में इस पर FIR तो दायर हुई, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई जब नहीं की गई और इसकी वजह से यूजीसी ने अब एमकेपी कॉलेज की ग्रांट रोक दी। तो इस पर माननीय उच्च न्यायालय से आज हमने यही जो है प्रार्थना करी है कि इस पर एक SIT जांच हो और जो भी तरीके का ये गबन हुआ है उसमें जो भी लोग दोषी हैं उनसे पर्सनली वसूली की जाए। माननीय उच्च न्यायालय ने इसको बहुत गंभीरता से लेते हुए 3 हफ्ते का समय दिया है राज्य सरकार को, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को, और जो प्राइवेट रिस्पॉन्डेंट्स हैं डॉक्टर किरण सूद जो प्रिंसिपल रहीं इस दौरान, और जितेंद्र सिंह नेगी जी जो सचिव हैं एमकेपी कॉलेज सोसाइटी के, 3 हफ्ते में इनको अपना जवाब देना है।